मम्मी ने महक ते टिफिन दे विच पाई तूड़ी। हाय हाय, अज दी ताजा खबर नहीं है तो पढ़ लो, आ दे दो, उत्ते लिखे आया गाइस बिल्कुल ऊपर। भैया सो मैं तूड़ी दी रेसिपी शेयर करूंगी, फिलहाल आज मैं ते टिफिन दे विच पाई है चूरी। सो ना इतना ज्यादा पंगा पे होया ना, काश आपा उस दिन कि मैं सारे तो सैर चार दी कला छूंगे। वेलकम टू माय चैनल माय सेल्फ मैथ पेंस। मैं उठ चुकी हूँ, तस्वीर सर ने मैं उठ के बाहर गई, चाह पींदी पी सी ते फिर मैं लॉक खोलिया गेट का बाहर गई ते है ना साडे बाहर जिहड़ी छोटी जी क्यारी लगी है ना उहदे विच फ्लावर आ देखियो एकदम जिद्दां बंच हुंदा है ना फ्लावर जो छोटा छोटा होया देखियो किन्ना क्यूट। मैं तोड़ के अंदर ले गई, किन्ने ही है होर भी बहुत बहुत सारे उगे हुए हैं ते एक पिंक रोज मैं हुणे देखिया वो उगया होया। सो फिलहाल तो मैं रेडी होंगे क्योंकि मैं काफ़ी लेट उठी हाँ, 6:30 तो ऊपर ही है टाइम, तो मैं रेडी होंगी। तो आज मेरे है एग्जाम्स, अच्छ मैं चेता ही नहीं क्योंकि किताबा मुहरे पढ़ना भी है सच में चेते। चलो हम पढ़ा बाद चो भी हो जाता पर इंजॉय करना जा रही थी मैं फिर बाद अद्धे फोन नहीं डिग गए मैं और तोड़ के लियाँगी बच्चे so आज मैं क्या ना नहीं पहले मेरी गल सुनो मैं बोलूंगी इनू मैं क्या कि मैं ना टिफिन चूरी पाई है ठीक है मेनू तूड़ी सुनया मैं ब्रश कर रही थी तूड़ी जल्दी भी थी मैं तूड़ी पाई कहते तूड़ी चूरी पाई है चूरी जरूर खा ली मैंने सुनया थोड़ी तूड़ी पाई है तूड़ी जरूर खा। चलो हुन मेनू नवा आईडिया मिल गया, हुन मैं कल नु कोई तूड़ी दी रेसिपी है ना शेयर करूंगी। ठीक है तेनू पसंद है तूड़ी, इनू बहुत याद आउंदी पई है सो मैं तूड़ी दी रेसिपी शेयर करूंगी। फिलहाल अज मैं ते टिफिन दे विच पाई है चूरी। मैं रेडी हो चुकी हूँ ते मम्मा पढ़ रही अखबार, कोई खबर सुनाओ मम्मी। मम्मी ने महक ते टिफिन दे विच पाई तूड़ी। हाय हाय, अज दी ताजा खबर नहीं है तो पढ़ लो, आ दे दो, उत्ते लिखिया आया गाइस बिल्कुल ऊपर जिथे जलंधर केसरी लिखिया होंदा उन्होंने हेडिंग नहीं लिखी, उन्होंने ये लिखिया और की है। अज इहे है दो पेपर, दो पेपर मेरे अज ते बेस्ट ऑफ लक, वधिया वधिया करके आनी है। मैनू पता है टेंशन मुंशन तां लैंदी नहीं हुंदी, टेंशन दिंदी जरूर हुंदी मैनू पेपर दी कोई टेंशन नहीं आनी, देखो कोई टेंशन नहीं। कल मैं इहनू कहा मैं कहा तेरे दो पेपर आ चल आके पढ़ ला आराम नाल, आपां सो गए आपां सो गए ते राती फिर किन्ने बजे तक पढ़दियां रहियां 10 बजे तक। सुकृति तां इहे दोन्नी ऑनलाइन, सुकृति तां 12 क बजे सुत्ती होणी, बाकी इही कहिंदे आ कि वधिया वधिया पेपर होण। कॉलेज निकलन लगी हाँ तो पेपर की तैयारी हूँ मैं बस से जाती जाती करूँगी, थोड़ा है मैं हूँ पढ़ लिया सीगा बट थोड़ा रहा है रिवाइज करने वाला तो मैं बस से करूँगी रिवाइज हूँ। सो जय माता दी। मैं कॉलेज पहुँच चुकी हूँ और हूँ मैं अपनी जी अपना एग्जाम आज मेरे जेडे तो उन्होंने थोड़ी जी रिविजन लूँगी, थोड़ा रिवाइज करूँगी क्योंकि फिर मेरा उस तो बाद एग्जाम जो स्टार्ट हो जाना है। फिलहाल मैं म्यूजिक रूम से बैठी हुई सी तो हजे कोई भी नहीं आया हुआ, मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं आई हुई तो हूँ मैं इतने बैठी हुई हाँ कल्ली, तो स्टाफ भी नहीं आया हजे, 9 बजे आता पूरा स्टाफ तो भुख मैं लगी नहीं अज। सो रोटी भी मैं रिसेस ही खाऊंगी हूँ तो फिलहाल मैं अपनी जी स्टडी करूँगी तो बाद मेरा एग्जाम है। आप एग्जाम दे के हूँ वेले हुए हैं, साडा एग्जाम बहुत वधिया होया इन्ना मतलब कि सिलेबस सिलेबस तो चलो नहीं कटाया आया तो सारा सिलेबस बट वो थोड़े ही उन्होंने कवर कर लिया सारा। सो हूँ आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं ते मेरिया गाइस जिहड़ियां पासपोर्ट साइज फोटोस सीगियां ओह घरे पापा दे कोल आ, कल स्पेशल मंगाईयां ते भैन जी ने फॉर्म नहीं फिल कीता, हुण फिर मैं घरे घर जाके रखाई है ते हुण फॉर्म फिल करना ते हुण फोटोस नहीं हैगियां ते हुण आपां निकलवाण जा रहे हां फोटोस, कॉलेज विच ही हैगे आ ते मेरे फोन च हैगी आ फोटो जे तां उहनां गल बन गई तां ठीक है नहीं तां मैं हुण उत्थे करवाऊंगी खिंचवा के ते फिर निकलवाऊंगी। मेरे कोल कुछ बोलण नहीं सो ना इन्ना ज़्यादा पंगा पे होया ना, काश आप उस दिन इलेक्टिव इंग्लिश का एग्जाम दिता हों तो अज ये चक्कर जरा नहीं सी पैना आराम न मतलब कि हो जाना सी। तो जी बथेरे सारे काम करने हैं, फॉर्म फिल करना उस तो बाद वो सबमिट करा के आना फिर पेपर लैके आने। हाँ जी पेपर सबमिट करवाने हैं मैम, हजे मैम मिल ही नहीं रही पता नहीं कितने है तो मैम लभना पैना, फिलहाल पहला तो फोटोज करवा कल ही लगना। हाँ कल छुट्टी है मैम भी आप निकलवाना हो या फोटोग्राफ से थोड़ा टाइम लगेगा। हो गया फाइनली हो गया शुगर है हूँ आप डॉक्यूमेंट साढ़े हाथ में ही फड़े हुए हैं इन्होंने फोटो दिखा। हाँ मैम ने अच्छ फिर सू बोलना मैम ने कहना तुम सारे ना ज़्यादा लेट होंगे जो डॉक्यूमेंट्स लै ले आ रहे डॉक्यूमेंट्स दिखा लो तो हम आप जा रहे हैं सीधा मैम को
थोड़ी डांट भी खावांगे फिर उस तो बाद सबमिट करावांगे दैन उस तो बाद अपने पेपर सबमिट करवाने लिए पहला मैम नूं लब्भांगे मैम कित्थे है इधर उधर घुमांगे आपां पेपर लैके पहला फिर जे मैम मिल गए फिर सबमिट करावांगे यार जे मैम ना मिले हाँ लास्ट लैक्चर सी हमारे कॉलेज की हो रही है साफ सफाई जो गार्डन है ना सारा जिन्ना भी है थोड़ा क्लीन कर दिता गार्डनर अंकल ने पहले इतने काफ़ी ज़्यादा ना वो हो गए सी ट्रीज ज़्यादा ही वड्डे वड्डे हुण सारे अंकल सैट करके गए ज़्यादा धुप बट मौसम थोड़ा जहा फर्क पिया है ना इन्नी गर्मी नहीं ना लगती पहला जिन्नी नहीं लगती हूँ धुप जी है ना थोड़ी ठंड वाली निकलनी शुरू हुई है ना तिखी तिखी है आप पेपर भी करवा चुके सबमिट तो जोड़ा भी फॉर्म कराना से वह भी करा दिता हूँ फाइनली सू रोटी खाने का टाइम मिले हूँ आप जा रहे हैं रोटी खान इन्नी ज़्यादा भुख लगी है तो मैं थक गई मेरा लक सच्ची बहुत दुख रहा है घर जाने का दिल कर लगी सिर्फ हाँ मैनू भी प्यास भी लगी आ बॉटल भी आनी यार वृक्ष के नीचे हाँ बेचारी तू की ए पेपर नहीं होया हजे तक हजे होना हो गया पंजाबी का नाइस साडा भी हो गया प्रीति ने हुणी आके दस्या कि जिहड़े साडे पेपर हैगे ओह चैक हो चुके पंजाबी दा वी मेरा ते सुखजीत दा होया हरगुण दा नहीं हजे होया सो आपां हुण ओह लैण जाणा आ हमदे मैम कह रहे सी कि 10 मिंट तक आयो तां फिर जावांगे आपां उधर हाँ जी 8 बज चुके हैं तो महक हजे भी सुती पई है क्योंकि कल थोड़ा यह है कि कल संडे है तो इस करके थोड़ा टेंशन फ्री है क्योंकि अज उहदे 2 एग्जाम सीगे दोनों बहुत वधिया होए तो पंजाबी दे विचों तो सिर्फ 2 मार्क्स उहदे घट आए है तो इंग्लिश का पेपर हजे जिहड़ा उहदा चैक होना बाकी है तो उहदा मंडे नूं रिजल्ट आऊगा वह भी मैंने पता है कि बहुत वधिया होया होगा क्योंकि राती सुप्रीति तो यह दोनों काफ़ी देर तक यह पढ़दियां रही तैयारी इन्हां दी फुल सीगी तो पेपर इन्ह के इस करके बाद उन्होंने ले आ क्योंकि जिस दिन पेपर से तो उस दिन इन्हों की रिहर्सल चलती सी कला उत्सव के प्रोग्राम के वास्ते तो चलो ये दोनों का ही रिजल्ट जो बहुत वधिया आया तो हूँ टेंशन फ्री हो के सुती पई है तो मैं भी जगाया नहीं मैं डिनर रेडी करके रख दिता है तो पारस गया अपने किसी फ्रेंड के बर्थडे पर उन्हें भी थोड़ा लेट हो जाना आ तो यू मैं हजे जगया नहीं चलो मैं कहा सुती रवे जो असं छोटे होंगे से तो सानू भी बड़ा चा हों संडे का कि नहीं कल संडे आ छुट्टी है तो शनिवार का भी हों क्योंकि सैटरडे हाफ डे होंगी सी तो स्कूल दे विच उस दिन फंक्शन भी मतलब एक इदा का पीरियड लास्ट पीरियड हों कि सारे इंजॉय करते होंगे सी कि अपना अपना टैलेंट सारे ने दिखाना तो बहुत वधिया लगता हों हूँ जोड़े बच्चे आ हूँ मैं देखा कि हूँ बच्चे ज़्यादा ही बिजी हो गए आ तो जे आप संडे कहीए ना कि संडे इन्हों का फुल इंजॉयमेंट वाला हों चीज़ हूँ खत्म हो चुकी है क्योंकि कुछ बहुत फास्ट हो गया हूँ पहला इन्ना नहीं सी उस टाइम बज रहे 8 तो मैं कॉलेज तो आके ना सो गई सी मैं इन्नी ज़्यादा नींद आ रही थी ना उस टाइम मैं रोटी पानी खाधा तो सो गई तो हूँ मैं लगी हुई बहुत ज़्यादा भुख तो मम्मा ने बनाई लंगर वाली दाल तो नाल बनाया राइस तो मैं फिलहाल अपना खाना खाऊंगी मेरा ना चाह पीन का बहुत ज़्यादा दिल है हूँ फिलहाल मैं अपने लिए चाह बनाऊंगी तो फिर नाल मैं राइस भी खा लूँगी दाल वगैरह का सो अपना डिनर हो चुका है आप रोटी पानी खा लिया है तो वेले होकर बैठ गए हैं तो कल हैगी मैं छुट्टी कॉलेज तो इस करके फिर छुट्टी तो एक दिन पहले ही मैं सुस्ती पैनी शुरू हो जाती है तो आप कॉलेज तो आके सुते हाँ किन्ने क बजे 6 बजे सुती हाँ तो उस तो बाद मैं 8 बजे उठ गई हाँ सो फिर हूँ आप रोटी खा ली है तो हूँ आप फिर सो जाना है क्या बात है ना सारी जिंदगी सो के ही कट दी तो कल सवेरे आप पहले उठना है जिदन मैं पता की होने लग पाया जो मम्मा मैं ना उठाने तो मेरी 11-12 बजे जाग खोलती हद नो भी वादा सवेरे इदा ही होनी है मम्मी इदा ही होनी है होनी इदी मैं उठना इन्ने बजे बजी हमें अलार्म बज बज के कमला होया हों मैं नहीं उठना सो कल भी आप सवेरे आराम न उठा सो इत करते ब्लॉग दें तो मिलेंगे कल ही तुम एक न्यू ब्लॉग के नाते जी अज का ब्लॉग वीडियो लगे होगा तो अगे तो शेयर कर दिए चैनल सबसक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो बाय बाय।